फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकेडी यूनिवर्स में। मैं हूं अभिषेक और ये मेरे साथ सत्य आया है। आज हम लोग आए हैं दी फूड स्टोरी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, शाम का नाश्ता करने के लिए आए हैं। अच्छी हवा चल रही है गर्मी के दिन में। और ये जो जगह है ये जोरदा बाईपास में है, आपका बाजार कोलकाता के ठीक सामने। पीछे फूड ट्रक है, यहाँ पर बहुत सारे और भी नाश्ते की दुकान है। ये मेरे पीछे बाजार कॉल करता है। तो सत्य ने ऑर्डर किया है चिकन दम बिरयानी, उसका फेवरेट, और मैं आज वेज खाता हूँ। तो मैंने ऑर्डर किया है आज पनीर 65। देखते हैं कैसा टेस्ट है। वैसे तो मुझे वेज पसंद नहीं, पर आज वेज खाना पड़ेगा। ठीक है, तो आ गया लगते हैं हमारा खाना। पहले आपको दिखाता हूँ बिरयानी। फुल ऑर्डर ये आ गया बिरयानी कचुम्बर के साथ, बिरयानी के पीसेस है। अभी सत्य टेस्ट करके बोलेगा उसको कैसे। अभी मेरा 65 आ गया लगता है। कमर डाल दो सर, कौन कोई मना कर सकता है। आ गया मेरा 65। मैंने ड्राई मंगाया था क्योंकि मुझे ज़्यादा सॉस पसंद है। ठीक है, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा बना है। यह है और भी बहुत सारे आइटम्स हैं इधर मेन्यू में, ये बगैर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाय फ्रेंड्स, तो हो गया खाना खा के। अभी मैं बात करूंगा टेस्ट के बारे में। जो मैंने पनीर 65 ऑर्डर किया था, थोड़ा सॉल्टी था और ऑयली भी था, पर पनीर बहुत सॉफ्ट था और फ्रेश था। और बात करेंगे बिरयानी की, तो बिरयानी के बारे में सत्या बोलेगा। बिरयानी तो बहुत ऑयली था और जस्ट एवरेज आउट ऑफ 10 यू कैन गिव फॉर फाइव। तो एवरेज 10 में से 5 दिया। ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं कभी अगर आप। ज़्यादा मसालेदार तो नहीं था, ऑयली बहुत ऑयली था, कोई प्रॉब्लम था। बाकी टेस्ट के हिसाब से चलेगा, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं और इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं। और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे थ्रस्टी पांडा। थ्रस्टी पांडा एक द बेस्ट सेकेंड टाउन, मतलब यहाँ पे सब अच्छे 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 पीने के लिए शेक वगैरह और आपको डिफरेंट से मस्जिद वगैरह से बेवरेज अच्छे अच्छे मिलेंगे। और ये जगह आपको आपका लोकेशन बताऊंगा, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए, ये है नौका बाईपास जगह और यहाँ पे इसके सामने भारत पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम के ऑपोजिट साइड रोड के इस साइड में आपको दिखेगा डाइकेन का सर्विस सेंटर के नीचे। फर्स्ट और डिफरेंट डिफरेंट तरह के शेक हैं यहाँ पे, आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत चल रहा है आजकल। इसके बाजू में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटीएल सोलर का शॉप है। और ये आपका पूरा बाईपास का रोड है। आप आए बाईपास, आप चोरदा बाईपास से जाएंगे नौका बाईपास की तरफ, तो लेफ्ट साइड में आपको आएगा थर्स्टी पांडा। आपको दिखाता हूँ उसके मेन्यू वगैरह। तो यहाँ पे बैठने के लिए टेबल्स है। ये इनका मेन्यू है, शेक वगैरह क्लासिक। और ये बैक साइड का आइए, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ। मैंने किया है यूनिकॉर्न फैंटेसी और सत्या के लिए रेड वेलवेट। मेरा है लाइव योर चाइल्डहुड, लिव योर चाइल्डहुड विद दिस बबल गम फ्लेवर्ड मिल्क शेक। और इसका है द फ्लेवर ऑफ रिच वेलवेट इन द फॉर्म ऑफ मिल्क शेक। चलिए टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है बन रहा है।
सॉरी दोस्तों, लाइट थोड़ा कम है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रेड वेलवेट और ये है बबल गम। मैंने बबल गम का बोला था, बबल गम मतलब ये अपना यूनिकॉर्न फैंटेसी और ये रेड वेलवेट है। खा लिया हम लोगों ने, खा लिया ने पी लिया और ठीक है, ठीक ठाक था। बहुत ज़्यादा स्वीट था, इतना ज़्यादा स्वीट मुझे पसंद नहीं। वैसे भी बबल गम फ्लेवर ऐड किया था तो बबल गम जैसा लग रहा था, और सत्या का रेड वेलवेट का फ्लेवर था। रेड वेलवेट नाम है लेकिन वेलवेट रेड नहीं था। हाँ, इतना रेड नहीं था जैसे लग रहा था। इसको और भी अच्छा से बना सकते हैं, पर वो मतलब दिखने में दोनों एक जैसे ही है। आपने तो देखा होगा, दोनों एक जैसे है फ्लेवर, बस फ्लेवर का टेस्ट अलग अलग है। ठीक है, आप कभी कभी आ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे फ्रूट जूस वगैरह ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ पे हॉट कॉफी ट्राई कर सकते हैं, सिंपल आइटम या मोजीतो वगैरह ट्राई कर सकते हैं। वो इससे बेटर रहेगा आई थिंक। ठीक है, शेक से बेटर रहेगा, इसमें आपको कैलोरी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर से आपसे मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्थ अच्छा रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। ठीक है, बाय।